सामने ला के रख देंगे कि आवाम को वरगलाया जाए। इमरान खान के साथ भी यही प्रॉब्लम चल रही थी जब वो स्टार्ट हुआ था, तो उनकी शादी के हवाले से और उनकी माजी के हवाले से कुछ चीजें लाकर हमारे सामने रख दी गई ये लोगों को बताने के लिए कि ये इंसान कैसा था। जब इंसान अपने अंदर एक तब्दीली लाता है, अल्लाह पाक उसको इस बात की हिम्मत देता है कि वो पांच वक्त की नमाज पढ़ता है, शलवार कमीज में रहता है और लोगों से बात करता है, लोगों के दुख को समझता है, तो ये वो तब्दीली अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। उस शख्स को ये एक शर्फ हासिल है कि उसने अपनी माँ के नाम पर एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया जिस पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों को वो करता है। बहरहाल मैं इसको डिटेल में नहीं जाता, ये इमरान खान साहब की जिम्मेदारी है कि वो अपने लिए उन प्लेटफॉर्म्स को डिजाइन करें जहां वो जाकर लोगों तक अपना जेन्युइन मैसेज, और ये भी प्लेटफॉर्म वीनस का उनके लिए अवेलेबल है, अगर वो जेन्युइन है और लोग समझते हैं कि वो जेन्युइन है तो वो यहाँ आकर अपनी आवाज दें, लोगों को बताएं। अल्लाह पाक ने अगर उसके अंदर बाकी कोई सच्चाई होगी, अल्लाह उसको इंशाल्लाह हिम्मत भी देगा और आप लोगों को ताकत देगा कि आप उसके पीछे खड़े हैं। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। जी सलामुअलैकुम। जी सलामुअलैकुम सर। जी कौन और कहां से? अरे भाई साहब आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, आप सच्ची बातें कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कसूर सारा हमारी गरीब आवाम का है, आज भी वही गरीब आवाम इन लीडरों के लिए मरने के लिए तैयार है। सही, वही गोलियां खाते हैं, अमीर आदमी उनका बेटा को गोली खाता देखे, सब गरीब आदमी यही इनको वोट देते हैं, यही बनाते हैं, यही फिर गरीबी में मरते हैं और ये भी इनके लिए फिर मरने के लिए तैयार है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ लीडर का कसूर कम होता है, आवाम का कसूर है हमारे का। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सर एक चीज मेरे जहन में जो कभी कभी इस तरह के सवालों पर मेरा एक अजीब सा सवाल क्रिएट हो जाता है, पाकिस्तान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के शहर हैं, जितने जिलाई शहर हैं हमारे, कोई भी है वहां पे स्कूल भी है, एजुकेशनल सिस्टम भी है, निज़ाम में है, थोड़ा बहुत शऊर भी है, अगर ये बरतानिया में बसे हुए पाकिस्तानी थोड़ी सी हिम्मत करें और तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के ऊपर अच्छे और नेक और ईमानदार लोगों को ला कर बिठाएं और अपने अपने हल्के में काम करें, तो आपके जितने जिले अगर आप उसी पर काबिज हो जाएं तो इन सियासतदानों की और इन अमीरजादों की तो गुंजाइश ही नहीं रहेगी, ये तो दुम दबा के भागेंगे। सिर्फ कोशिश चाहिए और एक प्लेटफॉर्म चाहिए और एक लीडर चाहिए। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। जी सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहां से? मैं इस्लाम से बोल रहा हूँ, हसीब। जी हसीब, आपका प्रोग्राम सुना है अभी, चैनल एक भाई पहले भी आप कह रहे थे कि सडनली चैनल चेंज किया था, आपकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी लगी है, सेम सी सिचुएशन है, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म जो अभी इस पे डिस्कस हो रहा है इमरान खान के हवाले से बात की जा रही है कि नए पॉलिटिशियन को आना चाहिए, इमरान खान की यानी कि इतनी मेरे पास टाइम नहीं है कि आपसे डिस्कस कर सकूं थरली, मगर एक सिंपल एक छोटा सा मैसेज है इमरान खान के लिए, अगर आपके तरफ से पहुंच सके कि इमरान खान अपनी टीम में डेडिकेटेड और नीट एंड क्लीन बंदे लेके आए, वरना इमरान खान एक जो सिचुएशन के लिए वो भाग रहा है वो उस उधर तक नहीं पहुंच सकेगा, यही उसको डिसीव करने में होंगे। एक चीज दूसरी ये कि मेरे ख्याल में रेवोल्यूशन जो है वो पाकिस्तानी अवाम से ही आना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन हो रही है, मीडिया वार बहुत हैवी फंडिंग है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। सही कह रहे हैं आप, शैतानी ताकतें कह लें, बिल्कुल सही है, सही है। तो ये जो मीडिया में इंसर्जेंसी अवाम को जो साइकोलॉजिकली टॉर्चर दिया जा रहा है, इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं होता जितना कि अवाम को टॉर्चर दिया जाता है तो उसको दिखा के, और यानी कि इवन दो के जो घर में बुजुर्ग बैठे होते हैं वो अपने बच्चों के लिए इस हद तक परेशान हो जाते हैं कि मुझे भी कल की बात है कि एक ब्लास्ट हुआ था और एक औरत हार्ट अटैक से मर गई थी, कुछ टिप्पणी के एरिया की बात है, मैंने खुद लाइव देखा। अच्छा। था ये सिविल लाइन की बैक साइड पे। अच्छा चले सर, आपको मैसेज मिल गया है। बाकी इमरान साहब को जी बड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी जजमेंट रखनी पड़ेगी कि कौन अच्छा और कौन बुरा है, किसको मैं साथ लेकर चलूं जो मुल्क और कौम की खिदमत करेगा। चंद बेसिक एजेंडे हैं, सिक्योरिटी है, इमिग्रेशन सिस्टम है, आपका इंटरनल करप्शन सिस्टम है, ये दो तीन चीजें, इस पर अगर आपने बैठ के कंट्रोल कर लिया तो ये शर पसंद ताकतें नहीं आ सकती पाकिस्तान के अंदर, इनको बॉर्डर से बाहर रख लेना अगर आप कामयाब हो जाए तो, आप यकीन करें पाकिस्तान का सर्वाइवल है। और इंटरनल करप्शन को उठा उठा कर आप, मैं कहता हूं इनके विद इन 24 आवर फैसले करें। चंद मिसालें सामने आए,
आप यकीन करें पूरे पाकिस्तान से इनको निकलने की इजाजत दें कि भाग जाओ, ये मुल्क छोड़ के जितने शहर पसंद ना 24 घंटे में भाग जाओ, ये भाग जाएंगे। आपको जहाज भरे हुए नजर आएंगे कि किस तरह ये लोग मुल्क छोड़ के भागते हैं। बड़ी ताकत चाहिए और नजर के अंदर, वो कहते हैं ना नवाला, वो बड़ी मिसालें इस दुनिया में मशहूर है। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन और कहां से? मैं नासिरुद्दीन बोल रहा हूं बर्मिंघम से। जी नासिर भाई क्या कहेंगे? मैं जी आपके मैसेज पर मुस्बत सोच का जवाब देना चाहता हूं। वेलकम। उसके अंग्रेजी में मैं कहूंगा थिंक ओवर एंड ओवर अगेन, थिंकिंग फॉर द आंसर इज अनलॉक योर ब्रेन, थिंक ओवर एंड ओवर अगेन। अल्लाह ताला ने भी कहा है सोचो सोचो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है सोचो, तो सोच जब बदलेंगे मुस्बत तो अल्लाह ताला खुद खुद रास्ते खोल देगा इंशाल्लाह। जी अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, बड़ा अच्छा मैसेज है बिल्कुल। आप अपने देखिए ये जो प्रोग्राम है इसकी सोच ही यही है, असर होना ना होना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में, वो कब कब क्या फैसला हमारे हक में करता है। लेकिन हम लोग वो कोशिश तो नेक नीति से करें, सच तो बोले, सच का मैसेज तो कन्वे करें, और वीनस इस प्रोग्राम की वसादत से कामयाब है। वो हर वो मैसेज आप तक कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग अपने अंदर तब्दीलियां ले आएं। जब देखिए दिए से दिया जलेगा, आज मेरी बात आप में से कोई सुनेगा वो तब्दीली लाएगा, कल उसके साथ दो होंगे, दो से चार होंगे, चार से आठ होंगे, इंशाल्लाह पूरे बर्तानिया में एक पाकिस्तानी कौम इकट्ठी होगी, एक शहर के अंदर बड़े से बड़ा हम लोग गेट टुगेदर 14 अगस्त का करेंगे, पता नहीं जिंदगी कैसे हम गुजारेंगे, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर तब्दीली ना आए, ये कैसे इतना देर मुबादला आपका पाकिस्तान में जाता है और वो वापस पलट के इन्हीं बैंकों में आ जाता है जो सरमायेदारों के बैंक है, भेजने वाले आप और लूटने वाले वो, कैसी अजीब बात है। जी सलाम अलैकुम। हेलो हेलो जी सलाम अलैकुम। कौन और कहां से? मंजूर सुना बोल रहा हूँ स्कॉटलैंड से। जी मंजूर भाई क्या कहेंगे? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। एक अजीब बात कहूँगा आप हैरान होंगे। नहीं सर नहीं हैरान होता। हम जिक्र कर रहे हैं ना कि आवाम लाते हैं, मेरे भाई आप भी वाकिफ हैं कि 90% सियासतदान ये जुटलू ठप्पे से आते हैं, डंडे के जोर पे आते हैं। मैं प्रैक्टिकल हाँ, लेकिन अब हम कहते हैं कि चलो छोड़े आवाम लाते हैं, हम बरतानिया वाले क्या किरदार अदा कर सकते हैं इसमें जबरदस्त। आप अगर यकीन करें खड़े हो जाए और लोग दो चीजें हम करें, जब पाकिस्तान में इलेक्शन हो उससे पहले यहाँ से हम टीमें बना के ना, यहाँ रोज मुजाहरे और ये जो जमहूरियत के यहाँ चैंपियन है जो उन मुल्कों में उन जैसे सियासतदानों को रखना चाहते हैं, यहाँ आए दिन दुनिया के सामने खड़े हो जाए कि भाई इलेक्शन सही करो, कहीं धांधली नहीं होनी चाहिए। और दूसरी आपने एक बात पहले फरमाई कि वो जरासीम जो यहाँ बीजी फलानी सारी वहां की पार्टियां, यहाँ उन पार्टियों की जरूरत नहीं है, खुदा के लिए दियारे गैर में हमें एक रहने दो। आपने बहुत जबरदस्त तरीके यूज किया था कि कुछ सालों के बाद हालात खराब होने वाले, जो सियासत आप वहां नहीं कर सकते उसको यहाँ क्या। और दूसरी हमारी जो मजहबी जमाते हैं आप ये देखें सब यहाँ से फिर के जाते हैं, आखिर जाके वो वहां क्यों नहीं कहते कि चल तुम इस्लाम से नाउज बिल्ला डरते हो आवाम, हम आपको वो निजाम देंगे, बेरोजगार हो गए तो हम आपको रोजगार उसका वजीफा देंगे। जो क्या एक नॉन मुस्लिम कंट्री में अगर फारूक आजम रजी अल्लाह का अगर दौरे खिलाफत का वो मसला है वहां नहीं हो सकता, मसला ये करने का है। आपका प्रोग्राम आप यकीन करें इसमें अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, खुदा के साथ बहुत शुक्रिया। ये बातें आपने यहाँ बैठे की है ना, अपने कितने सियासतदानों ने अभी तक आपको लिस्ट बना लिया होगा, ये ऐसी कम तरह से ये लोगों को खड़ा कर रहा है, ये क्योंकि बहुत कम है वहाँ। मैं जी फखर करता हूँ अपनी सोच पर और इस प्लेटफॉर्म से जो भी मेरा मैसेज आता है। जिंदगी मेरी कितनी है ये तो मुझे भी अब पता नहीं है, 40 अबव हूँ, 10 है, 15 है, 20 है, इससे ज्यादा जिंदगी नहीं है। मेरा फुल स्टॉप लगता है तो एक फुल स्टॉप लगता है तो कई फुल स्टॉप्स जो है वो कॉमा बन के शुरू हो जाते हैं। ये अल्लाह का एक निज़ाम है, एक निज़ाम को ना आप दौलत से रोक सकते हैं ना ताकत से रोक सकते हैं, इस निज़ाम में तो बढ़ना है आगे की तरफ। अगर मैं नहीं हूं तो कोई और है, मुझे क्या, मेरे खानदान को इडलिस पे पाकिस्तान के लिए कर लें, खुदा की कसम पाकिस्तान के लिए जान भी हाथ है, ऐसी बात ही नहीं है। इस मुल्क की कदर ही मुझे यहां आकर हुई है कि वाकई उस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, कभी एहसास ही नहीं हुआ था उस मुल्क में कि मैं किस किस्म के करप्ट तबके के पीछे लग गया हूं। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे यहां आकर यही वो चीजें हैं, मजहब से लगाओ, मुल्क से लगाओ, हमें परदेश में आके एहसास होता है, और जब एहसास हो जाए तो खुदारा अपनी सोच को बदलें। अल्लाह पाक आपके रिस्क की हिफाजत करेगा, आपके बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करेगा, कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था, आपको अंदाजा ही नहीं है कितने लोग मर गए, कितने लोग कट गए। कभी आप वो वीडियोज उठा के देख लें जिसमें हमारी बहू बेटियों के सरों से चादरें उतरी, बच्चे मार दिए गए, ट्रेनों हजारों की ट्रेनों पर लाखों लोगों ने सफर किया। सर जी यू कांट बिलीव इट,
जिंदगी में तब्दीली।